सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहिब भाई बख्शी सिंह जी होरां ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नूं बख्शिश कीती है उस दी विचार असानूं सरवण कराई धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे शलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखारविंद तो उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इन्हां दो शलोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिवें गुरमुखा ने हुक्म कीता सी पिछले साल भी के श्री ननकाणा साहिब जी दा साका भावा ओ कई वारी सुना भी चुके हैं आप जी ने कैस सराही भी सुनिया है पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का ओ पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जिया कणौनियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराने दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल
अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्होंने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी। इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो पूजन योग हो गई। जिन्हां गुरमुखां ने उस धरती ते जा के दर्शन कीते उन्हां गुरमुखां दे अंदर नूं भी टिका आ गया जिथे सतगुरु के चरण पै। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धरती नूं भी धन कहो जिन्हां ने जाके उस धरती दी खाक अपने मस्तक ते लाई उन्हां नूं भी धन कहो। ते कहिंदे ने गुरु के सिखा उस कुल नूं धन कही जिस कुल विच गुरु आया, उस पिता नूं धन कही जिस घर विच गुरु आया, ते उस माता दे चरणां विच नमस्कार करी जिस ने गुरु नूं जणे। खजूर दे अमृत बचन आपां पढ़ने आं सा धरती पई खरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पए खरियावले। जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए फिर किन धन धन पिता पिता नूं भी सत्कार दे। धन धन कुल उस कुल दा भी अदब करी धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। कहिंदे जिस ने गुरु नूं जन्म दिता उस माता नूं भी नमस्कार कर। साहिब गुरु नानक देव जी दे जीवन तो थोड़ा जिहा आरंभ अर्ज करनी चाहना हां। साहिब सच्चे पातशाह महाराज माता तृप्ता दी कुख राही इस राय पोए दी तलवंडी ते हजूर दी आमद होई। कवि संतोख सिंह ने बड़े कमाल दा बचन किया जदो धन गुरु नानक साहिब जी दे आगमन वाले प्रसंग कवि जी लिखदे ने ते कहिंदे ने के राय भोए दी तलवंडी उथे मीह पै के इस तरह गलियां साफ हो गईयां चार चपेरे खरियावल हो गई पशु पंछी जीव जंतु प्रसन्न होए। ते कहिंदा इस तरह के जिवें मानो एक चक्करवर्ती सम्राट दे आउण तो पहला पूरे शहर दी सफाई कर दिती जाए मेरे गुरु नानक साहिब तुहाडे आउण तो पहला उस कादर ने कुदरत राही इस सारे पिंड नूं शिंगार दिता क्योंकि अज पातशाह दे पातशाह ने आउणा है। उथे भाई संतोख सिंह ने एक बचन किया कहिंदे ने के आगमन तो पहला माता तृप्ता जी कहिंदे ने घर विच जिस कमरे विच भी बैंदे सन उस कमरे दे अंदर प्रकाश हो जांदा सी उस कमरे दे अंदर अनोखी सुगंधी महक हुंदी सी। कहिंदे ने माता जी ने अपने तन दे पाए हुए गहने उतार दिते पर मां दा ओ स्वरूप जिथे ओ ना बहना अंदर नूं टिका ते चानन सुगंधी। ते कवि जी कहिंदे ने जे कोई ए गल कहे भी ए किवें हो सकदा है कि माता तृप्ता जी जिथे बहन उते सुगंधी ते प्रकाश। ते कवि जी कहिंदे ने ओ दुनिया दे लोगो गल करन तो पहला सोचियो ए ओ भागां वाली अमड़ी है जिस राही करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक इस धरती ते आउंदा पे। उथे कवि जी ने शब्द वरते ने कहन लगे कालू ती बैसे जिस अंदर अत शोभा सो बने सो मंदर जगत भूखन सकल उतारे। भावे माता जी ने गहने ला दिते
तदक तदक सुंदरता अदक उजारे। कह लगे सुन संदेह करे जे को जे सुन के कोई शक करे। कह लगे कोट ब्रह्मांड जास दा सू ते निवास किनू जे थाई क्यों ना होए तै शोभ सवाई। जिस थां ते करोड़ा बंदमंदा दा मालक आ रहा है ओदी शोभा प्रफुल्लित क्यों नहीं होवेगी। धन गुरु नानक साहिब जी दी आमद राय भोए दी तलवंदी ते होई। सब तो पहली जिन्हू दात मिली मैं उस स्थान संबंधी अर्ज करनी। सब तो पहला एक मुसलमान औरत है जिन्हें मेरे गुरु नानक साहिब जी कृपा नु माने आगमन वेले जिदे ते रहमतां दा मीं वरसिया ते सिख तवारीख ने उस दा नाम दसिया सी दौलतां। दौलतां दाई किसे दे घर बच्चे दा जन्म होना ते पहला कहिंदी सी जजमान जे मालक ने तेनू पुत्र दी दात दिती ते मेनू गरीबनी नू दान पुन कर दिया किते खत खिच ना लई। कहिंदे ने सिख विद्वान के मेरे सच्ची सरकार दी जदो आमद होनी सी ते बाबा कल्याण दास जी नू इस दौलतां दाई ने कहा सी। कहन लगी देख रब ने अगे तेनू भगती दा स्वरूप धी दिती है ते जे खुदा त्रुट के तेनू इस वार पुत्र दी दात दे ते मेनू गरीबनी नू चार मन दाने दे दई कि सियाल विच पेट भर के बच्चे रोटी खा सकनगे क्योंकि घटना कत्तक दी पूर्णमासी दी है। कहन लगे जे वाहिगुरु जां खुदा पुत्र दी दात दे ते किरपा करी तन ढकन नू वस्त्र दे दई सियाल सौखा निकल जाएगा कुछ टके दे दई। कहिंदे ने कि जदों मेरे साहिब दी आमद हुई सब तो पहला दीदार इस दौलतां दाई ने कीते ते जदों बाहर आई ते बाबा कालू जी नू शब्द कहे सन। कहन लगे जदों वधाई दिती ते बाबा कल्याण दास जी ने थाली भरी कोई रुपया दी दौलतां दे अगे कीती। जन्म साखी विच इक बचन लिखे है कहिंदे ने हाथ ला के थाली नू कहन लगी रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। शब्द की कहे रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। जे पुछया बाबा जी ने के की कारण दौलतां ए रुपये थोड़े ने तू दो चार दिन अधक तेरे घर अनाज भी दियांगा तेरे घर वस्त्र भी भेजांगा। अखां भर के कहिंदी नहीं हुण मैनू दौलत दी अनाज दी ते कपड़ियां दी लोड़ नहीं मैनू सब कुछ मिल गया। कदी तके दे भावना दे शब्द बाबा जी ने कहा कौन सी तेनू ए देण वाला। कहिंदी हकीकत नाम दी दौलतां सां मन करके ते कर्मा करके भुखी सां पता नहीं अज तेरे पुत्र ने पहली बार जदों मुस्कुरा के तकिया अज मैनू वाकई अंदरों ने दौलतमंद कर दिता। ओदी पहली मुस्कुराहट ने मेरे जन्मा जन्मा दी भुख दूर कर दिती है। खां हुण झोली अदांगी जरूर पर ओदे चरणा विच जिन्हें एक वारी तकिया ते मेरे अंदर दी भुख चली गई। प्यारियो पहली दात दौलतां दाई नू मिली उस तो अगे तुरियो पहली सिखी नू कमाण वाली सत्कार योग बेबे नानकी। मैं संखेप विच अर्ज करनी चाहना उस स्थान संबंधी उस घर विच बेबे नानकी दे नाल मेरे साहिब खेडे ने ते जदों सुरत संभाली बेबे ने ते एक गल कहिंदी सी हजूर जदों सुल्तानपुर कोल गए ना ते कहिंदे ने बेबे जी चरणा नू नमस्कार कर लगे ते साहिब ने अगों मत्था पकड़ के कहा बेबे तू वड्डी थां ते वें मेरा फर्ज बनदा झुकना ते नेत्रां विच नीर भर के कहा सी मैं कल्ला तेनू वीर नहीं मैं अपना पीर जान के तेनू नमस्कार कर दूं तू मुर्शद है मेरा। कदी तक्यो एक खिन विचों निकल के बेबे नानकी ने सारी जिंदगी गुरु के भाणे गुरु की रजा ते गुरु ते हुक्म विच रही। जदों हजूर वहीं विच गए ने तां अज दे तारकिक विद्वान कहिंदे ने वहीं तो पार चले गए। नहीं प्यारे हो गुरु समर्थ है जल एक जीव है ते जे जपण वाले दी 84 लाख जून भाई साहब कहिंदे ने सेवा कर दी है मेरा दाता ते सब कुछ सृजन वाला है। यकीन करियो सब सच्चे पातशाह बारे लोकां क्या के गुरु नानक साहिब संबंधी के पानी विच डुब गए ते बेबे दा शब्द सी नहीं भोलियो अखर संभल के बोलो जेड़ा डुबदियां नू किनारे लाण आया ओनू वही डोब नहीं सकदी। किसे क्या रुड़ गए कहन लगे नहीं
जड़ा रोड़तियां दे बेड़े किनारे लांदा है, नजान की वहीं दी रोड़ के ले जाए। सारी जिंदगी घर संतान नहीं बेबे नानकी दे, जितना कुछ सोचिया पढ़िया किते भी बेबे नानकी ने जिक्र नहीं किया कि मालक हर एक स्त्री दे अंदर बीतांगे। किते नहीं कहा मेरे घर संतान नहीं, बस एक दिन दात मंगी सी, तो वो दिन मंगी सी जिदन शरीर त्यागना सी। खजूर सुल्तानपुर आए ते हाथ जोड़ के क्या सी कि सतगुरु एक कृपा करियो। पुछया दस बेबे, कहन लगे तेरी कृपा नाल मंगन दा खुरने कदी नहीं उठया, जदों तेरी याद ते तुसी आ गए सब कुछ आ गया, पर एक मैं दात मंगन लगी हां, मैं कल नू शरीर त्याग जाना है, अपने हथी इनू अग दा लांबू चिखा विच ला के जा। सिर्फ एक दात मंगी, तन गुरु नानक साहब ने उस घर पहला दौलतां दाई नू रहमत मिली, दूसरी बेबे नानकी नू मिली, ते तीजी उसे रहमत मिली सी राय गुलार। जन्म साखी कल पुरातन मैं पढ़ा ते ओदे विच एक बचन आया, कहिंदे ने कि जदों साहब सच्चा सौदा करके आए, सप दी छां राय ने तकी, रुख दी छां तकी, ते एक शब्द दो कौतक वेख के ते जदों खेती उजड़ी हरी होई, वेख के राय बुलार ने कहसन कोल बुला के बाबा कालू शब्द वेखो कैसे वरते। कहन लगे मता नानक दे मुंह पुचकार दा होवे, कहन लगे एनू कुछ कही ना, ते बाबा जी ने पुछया बाबा कल्याण दास ने के राय जी तुसी के देखे है, ते नेतर भर के कहने एदे करके ता मेरी तलवंदी वसदी पई, एदे करके ता मेरा शहर वसदा, इत्थे जदों सच्चा सौदा कीता ते गुरु नानक प्रकाश विच कवि जी कहिंदे ने कि मेरे साहब सच्चे पातशाह ते जदों पिता जी ने हत्थ चुकिया ते राय बुलार ने चेहरा देखिया, राच बंदे दियां भुब्बां निकल गईयां। सतगुरु नूं घर लिआंदा, उच्चे स्थान ते बिठा के आप जमीन ते बह गया, ते बाबा कल्याण दास नूं बुला के कहिंदा है कि तेरा हक है, तू बाप है, पर मैं इहदा मुरीद हां, जे इन्हें कुछ नुकसान किया तू मेरे घरों लै लै। ते बाबा जी कहन लगे पैसे इन्ना खर्चे किते ते ला ताडे करो, ते राय बुलार कहिंदा मैं गुरु नानक देव दा करजाई हां, मैं इन्हां दा कर्ज बड़ा देना। ते बाबा कल्याण दास कहिंदे अज तिकरां दा टका कदी घर नहीं आंदा, तुहानू करजा किदन दे दिता। उत्थे पर भाई संतोख सिंह कहिंदे ने कि बाबे कल्याण दास दी बांह पकड़ी ते अस्तबल विच लिजा के कहन लगे जेड़े कीमती घोड़े देखने ते मेरे नहीं, मेरे गुरु नानक दी दित्ती दात, जेड़े कीमती तू हीरे मोती देखना है ए मेरे नहीं, मेरे गुरु नानक दी दात। परिवार नू इकट्ठियां करके कहिंदा जेड़ा खेड़ा परिवार दा मेरा नहीं, ए साहिब दी दात। अखीर ते बुढ़ा सी, गुरु नानक साहिब दे चरणा ते देख के कहिंदा बाबा कल्याण दास आ बुढ़े दा शरीर देखना ए भी गुरु नानक दी दात। शब्द उथे वरते, कहन लगे सुन कालू तुझको शुद्ध नहीं, तेनू शायद खबर नहीं, तेनू शायद पता नहीं, माया तिख जिती जग माही, जिनी दुनिया दी तू माया वेखना है, सब वरते नानक अंसारी, पत रजाए जो पत ब्रत नारी, और जे मुझ घर बढ़े आई कमल नैन करुणा ते पाई, मेरे घर भी जो को तक ने ते गुरु नानक साहब दी कृपा। जेड़ी अर्ज करनी, इसे तलवंडी विच राग दा जन्म होया, इसे तलवंडी दे वड़ा दे थले मेरे बाबे ने उस साई दी सिफत दे गीत गाए। इत्थे भाई मरदाना जी मिलदे पए ने, समा लंघिया, अर्ज जेड़ी करनी चाहना, सिखां ने अस्थान बनाया, साहिब से राय बुलार ने उस वेले ए साहिब दे नाम ते अस्थान बना दिता सी। पहला शब्द धर्मशाला वरतदे रहे। गुरु ग्रंथ साहिब विच दो शब्द आउंदे ने, एक गुरु द्वारा ते दूसरा शब्द आउंदा सो दर। असी शब्द वरतने गुरु घर ते सो दर। गुरमुखो जिन्हें सो दर ते पहुंचना, सो दर केड़ा, जिथे बैठ के मेरा मालक करोड़ा ब्रह्मंडा की सिरजना करदा पिया, सो दर तेरा के हां, सो करके हां। जे सो दर तक पहुंच करनी चाहना है ते गुरु घर विचो निकले, गुरु घर विचो निकलन तो बिना सो दर कभी लभदा नहीं। सो दर मिलती ओनू में जेड़ा गुरु दर ते आंदा है।
साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब च चतसाल शब्द भी वरते है, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एक द्वारा धोए अच्छा होए सी, ए भी वरते है। धर्मशाला भी शब्द आए, तन गुरु नानक देव सचे पातशाह इन्हां दे अस्थान कैम कीता राय बुलार ने। गुरुद्वारे का मतलब की है? वैसे पंथक मर्यादा अनुसार कहने गुरुद्वारे दियां पांच निशानियां ने। सब तो पहली गल इमारत गुरुद्वारा नहीं, उथे धन गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुंदा होवे। एवें नहीं कोई कला स्थान बना के एक मनुख रहे ते कही जाए भी गुरु कर, नहीं। उथे पहली गल गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होवे, ते दूसरी निशानी उथे गुरु की संगत आउंदी होवे, तीजी निशानी उथे थले पंगत भी लगदी होवे, चौथी निशानी उथे केसरी निशान चलदा होवे, ते पंजवी निशानी उथे सवेरे शाम नगारा भी वजदा होवे। पंथक मर्यादा मुताबक पांच निशानियां गुरु घर दियां ने। साहिब सच्चे पातशाह महाराज अस्थान उन्हां दा एक कहम होया, ते भाई गुरदास ने एक बचन कहा, कहिंदे ने कई वारी बंदा गुरु दे नेड़े रह के जे कमाई ना करे ते मत एनी कु प्रिष्ट जांदी है, जेड़े कुकर्मा तो लोकां नू वरदा है। कई वारी बंदा ओहो जिहा कुकर्म आप करन लग पैंदा है। भाई साहिब भाई गुरदास ने एक बचन कहा, कहिंदे ने प्यारिओ जे गुरु दर ते रह के जीवन बंदे दा नखेत हो गया ते जीवन बनावांगे कित्थों। ते एक वारी अर्ज कीती सी, एक विद्वान कहिंदा साडे दो मूंह ने, वो कहिंदा मस्जिद में भी जाते हैं, कहिंदा मस्जिद में भी जाते हैं, मैं खाने में शराब भी पीते हैं, मस्जिद विच भी जाना है। ते एक ने थोड़ा जा वेरवा पा के शेर किया, वो कहिंदा मस्जिद में चंदा भी देते हैं, मैं खाने में शराब भी पीते हैं, खुदा भी राजी रहे शैतान भी नाराज ना हो। दोगली जी चार सब कहने नहीं, एक दा बन के आई। भाई गुरदास ने बचन क्या कह लगे कि जदो किते अग लग जाए ते बंदा कहंदा भी अग नू बुझाना है ते पानी लभो, कहने बेड़ी विच अग लगे बाहर किते ते पानी विच बुझा देंगे ले जाके, ते जेड़ी बेड़ी पानी विच चलदी होवे ते पानी विच अग लग जाए ते पानी विच बुझे ना उनू किथे जाके बुझाणगे। भाई साहब कहने बंदा चोरा तो डर गया किते किले विच जांदा है ते जे किलेदार ही जांदिया सार उनू लुट लै ते वो जाएगा किथे। कहन लगे बंदा किसे मनुख तो शरीर नू बचाण लई राजे कोल फरियाद करदा है कि मेरा कतल हो जाना है, ते जे राजे जाके दा सिर ला दे उन्हें फरियाद किथे कर ली। कहने मना कि माया दी लेश लाण लई तू गुरु दर ते आउणा है, वकारा दी मैल लाण लई तू बेनतियां करना है, ते जे साई दे दर ते आके वकारी बन गयो ते दुनिया विच केड़ी थां जिथे जाके अंदर नू धोवेंगा। भाई साहिब ने बचन कहे ने, कहन लगे बाहर की अगन बूझत जल सरता कह, नाव में जो लागे आग कैसे तै बुझाइए, बाहर ते भाग ओट लीजिए तो कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कट जाइए, चोरन को त्रास पाए शरण गए नरेंद्र, मारे मसीबत जियो कैसे कह बुझाइए, माया डर गर्भत हार गुरुद्वारे जाए ता जो ब्यापै माया कहो कट जाइए। जे उथे भी अंदर केवलो बिरती रही केड़ी जगह ते जाएगा। अज आउणा उस अस्थान वल, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का समा कोई सुखैण आया, परत के शहादतां दे दौर चले ते इत्थों तक कि सिखां नूं गुरु अस्थाना दे दर्शन करन दी भी पाबंदी ला दित्ती गई। नेरे सवेरे आउणा दर्शन करने गुरु अस्थाना ते, समा आया शेरे पंजाब दा, उस वेले उदासी महात्मा जेड़े सन गुरु घरां दा प्रबंध करन लगे। शेरे पंजाब ने बहुत सारियां जगीरां दौलत जमीन जेड़ी है एक गुरु घरां दे नाम लगाई। श्री ननकाणा साहिब इत्थे भी महंत सन, अमृतसर साहिब दी धरती ते भी पुजारी महंत ने। मुकदी गल की के गुरु घरां दा जेड़ा प्रबंध है जा संचालन है वह महंत दे हथ विच सी, ओदी मर्जी जियो जा मर्जी करे। अंग्रेज दा समा आया ए प्रबंध करदे रहे, पर अंग्रेज नूं पता सी कि गुरु घर जेड़े ने ए सिक्खी दा सोमा ने, ते जे किते सिख सोने नाल टुटे रहन इन्हां अंदर रूहानियत आउणी नहीं। उन्हें वकारी महंतां दा साथ देना शुरू कीता। ध्यान दिया जे सब तो पहली घटना जदो सिंह सभा लहर चली है 12 अक्तूबर सन 1920 दी। प्यारियो
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਤਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕੁਕਰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆ ਚਾਰ ਚੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੀ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਥਾ ਪੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਜ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੂਟਕਾਣਾ ਪੰਚਕ ਆਗੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪੁਜਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਜ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈਏ ਰਲਾਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ
उस वक्त पुजारी हरिमंदर साहब छड़ के चले गए ते प्यारे 12 अक्टूबर 1920 नो श्री अकाल तख्त तो पुजारी छड़ के चले गए ते पंथ ने पहला जथेदार महंता तो बाद भाई साहब भाई सरदार तेजा सिंह कुचर छापिया। जदो इधर ए घटना वापरी प्यारे उचे फिर जेड़े बाहर रेंदे महंत सन उन्हां ने मन मर्जियां कीतियां। सिंह सभा लहर गुरु कर आजाद करन दी लहर चली गुरुद्वारा मूवमेंट पहली घटना श्री तरन तारण साहब दी जिथो आरंभता सारी इस साके दी हुंदी। प्यारियो इथो दे महंत इन्ने कु विशई ते निशई सन जेड़ियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब ने वर्गियां ने ना आ जदो रहत मर्यादा दी गल असीं करने कई बार कई कहने से गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानने आ अमृत ए मर्यादा जरूरी है तो भाई सिखो जेड़ी मर्यादा असीं पढ़नी आ इहदा आधार इहदा बेस गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है। कदी पढ़ियो कि नशे नूं वर्जिया नहीं गुरु ग्रंथ साहिब ने। हजूर तां कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया की दसां कहिंदे ने दो गल्लां जिस बंदे ने सारी जिंदगी विच कमा लईआं ना ते रब उहदे अंग संग रहिंदा है। पुछिआ जी कहिड़ियां कह लगे पर धन पर दारा पर हरी दो ही बचन ने ना कहिंदे ने एक पराई दौलत ते दूसरी पर दारा पर इस्त्री पर धन पर दारा पर हरी कह लगे ताक निकट बसै नर हरी वैगुरु दे बिलकुल अंग संग रहिंदा। तरन तारण दे महंत की करदे सन जिथे दौड़ी सी इथे इन्हां ने मुजरे कराने जिथे कीर्तन दियां धुनां आउंदियां हन इथे पैरां विच घुंघरू बन्ह के नचण वालियां नाचियां ने नाच करने ते जदों आ गर्मी दा दिन आउणा जेठ दा महीना आउणा ते इन्हां पापियां ने शराब दियां बोतलां धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उहदे सरोवर दे पानी विच ठंडियां करके पीड़ियां। जदों धीआं भैणां ने संगतां ने परिक्रमा विचों लंघना ते इन्हां दुष्टां ने गन्नियां दियां गलेरियां अपने वल्लों रोड़े ते कई वारी कबोल बोलने सिखां ने अंदर नूं पी लैणा कुछ कहना कुछ ना। इथे तरन तारण साहिब जिथों सारा आरंभ हुंदा है गुरुद्वारिआं दी सुधार दा भाई साहिब भाई संत सिंह जी सिंह सभा लहर दे आगू सन प्रचारक सन उन्हां दे उन्हें सिर्फ इन्नी गल कही कि आपां नूं अमृतधारी हो के गुरु दे बचन कमाने चाहीदे ने ते शाम दे वेले भाई साहिब दा बच्चा ते उन्हां दी बच्ची दोनों भैण भरा तरन तारण साहिब दी परिक्रमा वी जांदे सन ते लिखदे ने सिख विद्वान के उस बच्चे नूं पत्थर बन के पुजारियां ने तरन तारण दे सरोवर विच डोब के मार दिता सी। बच्ची दी पत उन्हां ने बेइज्जती कीती उहदे खिच तों उथे कीती ते इधर इह घटना 24 जनवरी दी बनदी। कहिंदे ने उस वेले सारे आगू श्री अकाल तख्त ते सन ते इस भाई संत सिंह दी धर्म पत्नी जिहदे पुत्र दी मौत हो गई उहनूं शहीद कीता पानी विच डुब के बच्ची दी पत लुटी उह श्री अकाल तख्त साहिब ते जा के उहने इक गल कही कल्ले इथे बैठे तुसी प्रोग्राम ना उली की जाओ तुसी ते लोकां दियां बहु बेटियां दी इज्जत दुश्मनां दे कैंप विच जा के बचांदे सी पर तको खां तरन तारण दी धरती धन गुरु अर्जुन देव दे घर अंदर मेरे बच्चे नूं मार दिता गया मेरी धी दी उहनां ने पत बेइज्जती कीती है। जदों इन्ने शब्द सुने उस वेले सिख जेड़े ने भाई तेजा सिंह कुचर कुछ तैयार होए अंग्रेज दा कंट्रोल सी उहने रोक दिता। आखीर ते फिर जज्बा जदों उठिया इह सिख तरन तारण साहिब गए इक प्रण कीता कि धन गुरु अर्जुन देव असीं तेरे डर ते किसे ते हथ नहीं चुकदा निम्रता नाल जाएंगे नमस्कार करांगे महंत नाल गलबात होवेगी। उधरों विच वैद मोहन सिंह जी होरी पै गए तरन साहिब वाले महंत ने एक इहो जी चाल खेडी सारे गुंडे कठे कर लए कहिंदा सारा दिन गलबात विच कढ़ांगा ते शाम नूं गुंडे आ के कईआं कुहाड़ियां चकवियां नेजियां तलवारां नाल वार कर दिओ इहो जी मार मारो ते परत के कदी इह गुरद्वारिआं वल मूंह ना कर। कहिंदे जदों सिख आगू गए महंत सारा दिन गलबात करदा रहा हां जी इस तरह करांगे जो होया माड़ा होया जिवें पखंडी दंभी कपटी आगू करदे ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਸੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੇ
भाई साहब भाई हुक्म सिंह जी कोट वसाऊ वाले दोने सिख अंदर नमस्कार करन गए ते उन्हां निहत्थियां दे उते इन्हां महंत दे गुंडियां ने वार किते कहिंदे भाई साहब भाई खजारा सिंह दा तन उन्हां टोके दे नाल उन्हां तेज धार दे नाल टोके नाल भाई साहब ते वार किते ते भाई खजारा सिंह शहादत दा जाम पी गए। भाई हुक्म सिंह कोट वसाऊ ए कुछ दिन बाद शहादत दा जाम पीता दो सिख शहीद होए ते तरन तारन दा महंत जेड़ा है तो कब्जा छड के चला गया। सतगुरु दी कृपा हुई पंथ दे हाथ तरन तारन साहब दी सेवा आ गई। तवज्जो दियो भाई खजारा सिंह जदों शहीद होए कहिंदे इन्हां दा संस्कार करन लई पवित्र दे पिंड लियांदी ते बजुर्ग माई अपने पुत्र दे शरीर दे कोल आई। अज भी असीं उन्हां मावां दी कमाई दा ध्यान धरने आ जिन्हां दे पुत्र कुर्बानी करन ते मां दे मन विच इक चाओ दा जज्बा होवे। पुत्र दी लाश आई ते कहिंदे ने उस वेले कईआं सोचिया बजुर्ग माई ए पता नहीं जवान पुत्र दा सदमा जरे के ना कई रोकन लग पए पर कहिंदी ए धीरज नाल सरमे नाल कहिंदी ए मैं अपने पुत्र नूं शीर दे के पालिया घटो घट संस्कार करन तो पहला मैनूं चेहरा तां वेखण दिओ। मैं डोली नहीं जदों दृढ़ता नाल कहा ते भाई खजारा सिंह दे शरीर दे कोल गई कहिंदे ने चादर चुक के ना चेहरा देख के माई ने चेहरा चुमिया ते इक गल कहिंदी है गुरु अर्जुन साहब अज मेरा प्याया होया दुध सबला हो गया। कहन लगी पुत्र अज मैं भागां वाली हो गई हां तेरे खून दे कतरियां नाल जे गुरु अर्जुन साहब दा घर आजाद हो गया मेरे वर्गा दुनिया विच भागां वाला कौन होना। माता ने सामने तकिया संस्कार किया गया भाई खजारा सिंह दा ध्यान दिओ फिर ए तको जिस स्थान ते नमस्कार करनी सी महंत दिंदा सिखां नूं उस स्थान ते भाई साहब भाई खजारा सिंह दा भोग पाया गया। अंतली अरदास कीती जदों अरदास होई ते लक्चर कीते सारे आगुआं ने चेते रखियो चंगा आगू मिल जाए ते कौम बहुत अगे जा पैंदी। संत महाराज संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले तावें जो मर्जी कुछ संसार कहे रहिंदी दुनिया तक उस महापुरश ने इन्नी वड्डी तब्दीली लियांदी जेड़े लोग कदी बाणी दे नेड़े नहीं सन टुकदे अज एक नहीं हजारा नौजवान मिलनगे जेड़े ओत पोत गुरु की बाणी विच होए मिलनगे। उस वक्त दे आगू वल तको सारे आए ते जिथे ननकाणा साहिब दी हुण घटना आरंभ होनी भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल आया जदों इस गुरमुख नूं समा मिलिया उठ के खड़ा होया इन्हें इको गल कही बिजादा नहीं बोलिया कहिंदा धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह मैं तेरे दर दा कूकर हां ते तेरे चरणा विच मैं एक बेनती करन आया मेरी बेनती स्वीकार करी। कहन लगा दातिया पहला तेरे दर ते आया सा बच्चियां नूं लै के कीर्तन करन पहला तरन तरन आए कीर्तन ने सी करन दिता मंता ने कहन लगे मैनू कीर्तन ना करन दिता कई दोष लाए अज भाई खजारा सिंह ने अपने खून नाल तेरे घर दा बूआ साडे लई खोल दिता मैं कुछ नहीं तेरे चरणा चो मंगदा सिर्फ एक दात मंगन आया कृपा करके मैनू शहीदी दी दात दे मैं ननकाणा साहिब दी धरती नूं आजाद करा दिया जिथे नारायणू मंत दिन रात कुकरम पिया करदा। कई वारी सोचना सिखा तेरे तरन की हो जाए ने असि आम तौर ते कहने कि मैं मर जाऊंगा आ काम करांगा। मैं पै बेनती कीती बाबा दीप सिंह जी तर तुरे ने दमदमा साहिब तो लोग कहिंदे ने मौत घेर दी है ते दृढ़ अरादे वाला परन करके तुरिया है कि खे दुनिया के लोग मैं मौत नू ओनी देर तक स्वीकार नहीं करना जिन्नी देर तक गुरु रामदास के चरणा विच अपना शीश ना रख दे। कियो जिहा अनोखा परन कीता मैं ओनी देर तक जींदा रहांगा ते किसी विद्वान ने शब्द वरते ने जदों तरन तारन नेड़े आ लकीर खिंची सी सिंघराणा साहिब उत्ते इक गल कही सी कहन लगे भाजड़ा पावांगा सिक्खी दे वैरियां नूं सिक्खी सिदक नूं दाग ना लांगा मैं मेरे गुरु रामदास गुरु घर प्रसाद कड़ा प्रसाद चढ़ाण लोकी ऐ पर शीश प्रसाद चढ़ाऊंगा।
अपना शीश लेके आवांगा। खैर भाई लक्ष्मण सिंह ने अरदास की, गुरु अर्जुन देव कृपा करो मैं तेरे दर नू आजाद करा सका, मेरी झोली भी शहादत की दात पा। इनी गल कह के चले गए। हुण आओ ननकाना साहब की धरती वल। नारायणू महंत तो पहला जिहड़ा महंत सी तो कुकर्मी सी, वह कई गुप्त बीमारियां नाल हो के दुखी मरिया। कहिंदे उस वेले जदों मरिया ते नारायणू महंत ने लिख के दिता सी कि मैं वह कुकर्म नहीं करांगा जो मेरे तो पहले ने किते ने। जो पंथ कहेगा मैं उस गल नू स्वीकार करांगा। पर प्यारियो अंदरों मन काला सी। तीन घटनावां ने सिखा नू हलूण दिता। वह तीन तां प्रताख होईआं, उंज पता नहीं किन्ने कु कुकर्म ना किते होणे ने। पहली घटना सी 1918 दी, गुरु नानक साहब दे गुरपुरब दे नेड़े इस चंद्रे पापी ने उस दरबार दे अंदर लाहौर तो नचण वालियां ते गाउण वाले बुलाए ते उत्थे आके उन्हां ने नाच कीता सी। कदी तकियो गुरमत दा ए कोई सब्जेक्ट नहीं नचना गाउणा टपना। आपां कई वारी देखने आ गुरु घर विच रहण वाले गुरमुखो सुचेत रहो कि गुरु का सिख इकट्ठ करदा जिथे गुरु चेते आवे, ओ नहीं इकट्ठ जिथे चंचलताई ते नाच गाना ते नशा है। जे नचना ही है तो साहब कहिंदे नाच रहे मन गुर के आगे, जे नचनी ते मन नू टिका गुरु के चरणा विच। इन्हें नाच कराया, शराब चलिया, सिखां दे हिरदे वलुंदरे। पर कुकर्मी जिहड़ा गल बात विच फिर टाल गया। दूजी घटना वापरी जिन्हें सिखां दा अंदर चंगी तरह थ्रू दिता। ओ घटना सी सिंधी एक जज रिटायर होया ते मन विच आया मना सारी जिंदगी तो कीती है नौकरी पर बेदाग रहे, अपने वालों यतन किया तो दाग न लगे। ते गुरु नानक साहब नू सिंधी बहुत बहुत ज्यादा श्रद्धा रख दे। मन विच आया कि परिवार नू लै के घर चलिया ते गुरु नानक साहब दे घर विच मत्था टेक जावां। शाम दे वेले परिवार आया, साहब दे दरबार विच नमस्कार कीती ते लिखदे ने सोहन सिंह जोश, सारे विद्वान इहदे नाल सहमत ने। कहिंदे हनेरा सी जदों इह सिंधी परिवार बैठा ते गुंडे तुरे फिरदे सन महंत दे। इन्हां कहा भी शाम दा वेला कमरा दे दिता, दीवा है पर तेल नहीं, तू सानू दीवा कोई तेल वाला दे दिओ। उस बच्ची सी सिंधी दी जिहदी उम्र 13-14 साल दी, लिखदे ने कहिंदे ने महंत ने कहा बच्ची नू भेजो, असीं दीवा दूसरा भेज देने आ। विश्वास सी बाबा तेरे घर विच आ के तां पापी वी पसीज जांदे ने। जदों बच्ची गई उन्हां दरिंदियां ने बच्ची दी पत लुटी, रोंदी कुरलांदी आई ते उस वेले जदों सिंधी बोलन लगा ते नारायणू महंत ने कहा खबरदार जे बोलिया ते समेत बच्ची दे सारे कतल कर देंगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बच्ची सारी रात वापस लै गया महंत, कहिंदा सवेरे स्टेशन ते जाके तुहाडी बत्ती दित्ती जाएगी। सारी रात ओह परिवार ननकाणा साहिब बह के कीर नहीं पांदा रहा। हे धन गुरु नानक साहिब की लै के आए सा तेरे दर ते, भी साडे कोई दाग नहीं, अज की साडे नाल वापर गया। सवेरे ओह बच्ची स्टेशन ते दित्ती गई। मैं तीन कु घटनावां जिहड़ियां खास ने। जदों ओह गए उस साल सिख एजुकेशनल कानफ्रेंस हुई ते सिंधी जज फिर उथे गया। उदो हुंदी सी साल दे साल बाबा अतर सिंह जी मस्तूवाने वालिया ते आरंभ कीती सी। जदों गया सिंधी इन्हे कहा मैनू 2 मिंट बोलन दा समा दिओ। दिता गया समा, फिर उत्थे रोण ही लग पिया। कहिंदा गुरु के सिखो असी कई सदियां तो तुहाडे आसरे ते बैठे सां, दुश्मन आउंदा सी 937 साल दे करीब काबल दी धरती तो दुश्मन ने हिंदुस्तान नू लुटिया ते जिद्दन कलगी वाले दे दूल्हे शेर अगे खलोते परत के काबल दा हिया नहीं पिया हिंदुस्तान दी पंजाब दी धरती ते पैर रखे। सिख ते गल कहिंदे सन के पंजाब नू ना अफगान दा हिस्सा बन देना है, ना दिल्ली दा हिस्सा बन देना, पंजाब गुरां दी धरती है ते गुरां दे नां ते रहेगी। ये प्रण किए गए सन, ध्यान दिया जे। ते जिदन सरदार हरि सिंह नलवा शहीद होया उन्हें एक गल कही सी, कहिंदा मेरा मुंह काबल वर लखना जद लांबू लाना, मैं नहीं वैरी तो सिखिया कदी मुंह भवाना, ओ मेरा नां लै के तुसा ने रणजीत बजाना, मैं नाल तुसा देखोवांगा तुसी नहीं घबराना। जदों चमरौत विच संस्कार कीता, क्या मेरा मुंह काबल वर रखियो कि रहिंदियां
आन वालिया पीढ़िया नू पता लगे कि दर्रा खैबर नू बंद करन वाला ओ अखीरले समय भी मुंह दुश्मन वल करके पिया होए। खैर जेरी अर्ज मैं कर रहा कहने उस वेले सिंधी ने एक गल कही सी, तुसी जांदियां हुईयां धारां बचांदे रहे, कदी तुहानू वेख के कहंदे सन मोड़ी बाबा कछ वालिया रख बसरे नू गई, ए खान सन। कहन लगे तुसी घर बचांदे रहे, अज मेरी बच्ची दी पत गुरु नानक दे घर विच लुटी गई है। हर एक सिख दा खिरदा वरुंदरिया गया। भाई लक्ष्मण सिंह उबारा खादा अंदर ने कि मना हुण जी के लैणे की है दुनिया ते, कादे लई सिखी कमाण वास्ते तुर तुरे। चुप कर गए। तीसरी घटना, पूर्णमासी नू जड़ां वाले तो छह बीबियां आईयां इशनान करन। इन्हां दरिंदियां ने उन्हां बीबियां दी बेपती कीती। तीन घटनावां ने सिख पंथ नू खलूण के रख दिता। अखीर ते फैसला कीता गया महंत नू कढ़िया जाए। गुरमुख तीन, वाहगुरु चार, पंज ते छे मार्च 1921 महंत ने सिखां नू कहा तुसी आओ मेरे नाल गलबात करो। ननकाणा साहिब सिख कानफ्रेंस रखी गई। महंत ने दूसरे पासे तैयारी शुरू कर दिती कि जिदन ए सारे आगू इकट्ठे होके आउणगे उदन अपने गुंडियां नू कहा तुसी स्टेज ते इक्को धमाला करियो, सारे मार के खत्म कर दियो, परत के ननकाणे वल मुंह कोई ना करे। कहिंदे इधर भाई वरियाम सिंह एक सुईआ सी सिखां दा, करतार सिंह झब्बर दा जिहड़ा रहिंदा सी नाल महंत दे, उन्हें जाके दसिया कहिंदा ओ गुरु के सिखो तुसी महंत ते यकीन ना करियो, चार पांच छे मार्च दी मीटिंग नू कानफ्रेंस नू इन्ने तुहाडे सारिआं दे मारन दा बंदोबस्त कीता है। तेल दे पीपे तकवे कुहाड़ियां बंदूकां छवियां आंदियां ने, इन्ने तुहाडे टुकड़े कर देने जी। जदों करतार सिंह झब्बर नू पता लगा उस वेले गुरमुखो भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल, भाई बूटा सिंह लैलपुर, भाई टहल सिंगोरी ए तीन चार आगू इकट्ठे होए। कहन लगे कि इन्ना वड्डा कारा वापर जाना है, पंथ दा नुकसान होवेगा, आपा महंत ते पहल क्यों ना कर दी। पहल किवें? उन्हें कहा सी 4-5-6 मार्च 1921 नू इकट्ठ होना है। 19 ते 20 फरवरी नू महंत ने एक मीटिंग रखी सी लाहौर सिख सनातन धर्म दी। इन्हां कहा महंत ने जाना 19 नू लाहौर ते आपा काम करिए, 19 रात नू जथे बना के तुरिए ते 20 तरीक सवेरे आपा प्रवेश करांगे। कुछ कहिंदे ने 21 तरीक नू उदन गुरु हर राय साहिब दा गुरपुरब है, नाले जाके नमस्कार करांगे, मंत होना नहीं ते शांतमय ढंग नाल आपा कब्जा कर लांगे। तिन्ना ने आपस में सलाह की। करतार सिंह झब्बर ने कहा मैं आवांगा जथा लैके चंद्रकोट दी चाल से। सरदार लक्ष्मण सिंह ने कहा मैं तुहानू अमृत वेले जथा लैके उत्थे मिलांगा, एक चाल आप शब्द जान दियो जिथे पानी खलो के उच्चा नीवा डिगदा। कहन लगे करतार सिंह झब्बर ते लक्ष्मण सिंह दा जथा मिलनगे चंद्रकोट चाल ते। सरदार बूटा सिंह लैलपुर नू कहा वी तुसी ननकाणा साहिब जी दे नेड़े भट्ठियां दे नेड़े पहुंचना, आपां तिन्ने जने अमृत वेले गुरु नानक साहिब दे घर विच नाम जपदे जांगे। कहिंदे ने उस वेले ना एक नवी किताब हुण लिखी कि सज्जन ने लिखी, वैसे ओ 1935 दी सी, हुण छापी है श्रोमणी कमेटी ने, उहदा नाम है शहीदी जीवन। ਉਹ 600 ਅੰਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਝੱਬਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪਕਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਨੇ
पहली मिट्टी का तेल लाहौर तो अंग्रेज के कहने स्पैशल असला दिता गया सी महंत नूं इन्ने गुंडे ओ लै जिन्हां दी हाजरी जेल विच लगती सी ते रहिंदे ओ महंत दे कोल सन इन्ने फिर फैसला किया महंत ने भी आपां मार्च दे पहले जिहड़ियां डेटा ने इहदे विच खत्म करना श्रोमणी कमेटी नूं किसे दस्सता भी ए लक्ष्मण सिंह होरी फैसला कर चुके ने कहिंदे ने उन्हां ने मास्टर तारा सिंह जी ने तेजा सिंह भुचर जी ने इन्हां ने चिट्ठी सरदार सुच्चा सिंह जी जैद चक होए ने उन्हां नूं भेजिया करतार सिंह झब्बर कोल कहन लगे अपनी मर्जी नाल तुसीं जाना नहीं महंत ने इन्नी जे तैयारी कीती है ते खत्म कर देगा नुकसान होगा। करतार सिंह झब्बर दे कोल आए सरदार दलीप सिंह जी साहोवाल मैं सिर्फ कुछ कु आगुआ दे नाल दलीप सिंह साहोवाल बड़े गुरमुख सन उन्होंने झब्बर नूं कहा भी तू जाओ ना बूटा सिंह नूं झब्बर नूं रोकिया ते झब्बर कहिंदा भी आपां लक्ष्मण सिंह नूं कौन रोकेगा ओह ते जथा लैके पहुंच जाएगा ते दलीप सिंह ने उत्थे कहा मैं तुहानूं वादा करना लक्ष्मण सिंह मेरा मित्र है ओहनूं मैं रोकांगा ते झब्बर कहिंदा जे नुकसान कोई होया कहिंदा ओहदा जवाब दे मैं होवांगा पंच नूं तैनूं कोई नहीं पुछेगा। तवज्जो दिया जे इत्थे कुछ उहने घटनावां दित्तियां ने नवीं पुस्तक विच ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਤੇ ਗਿਆ ਰੁਕ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਛੂਤਛਾਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੰਤਾ ਜੇਗ ਨੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰੋ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭੀ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਰੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਝੋਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇਧਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਤਿਆਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬੀ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਚੱਲਿਆ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਰਹੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਨੇ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਗਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਆਂਗਾ ਘਰ ਵਾਲੀ
अजे चूड़ा उन्हें पाया ते शब्द वरते कहन लगी स्वामी जिथे तू जाएगा कदी तकियो अज का जो समाज कई बार तेकना नौजवान मुंडे असी देखने घर बुजुर्गों का हाल असा लोगों ने की किया गुरमुखो जिन्ने मर्जी तीर्थ नालो जिन्ने मर्जी प्रसाद चढ़ा दो जिसने जन्म जन्म देने वाली मां ते बाप की कदर नहीं की रब ने निज बख्शना कभी भाई गुरदास का बचन पढ़ो कहने कामन कामने आ रही है कीतो कामन कंत प्यारे हे माया टूने करने वाली है की टूना किते जमने साई विसरिया व्याया मां प्यो सारे उठ तक्यो कभी भाई मंगल सिंह उन्हां दी सुपत्नी भाई लक्ष्मण सिंह तैयार हुए एक पिंड जरगदे हुए ने भाई साहब भाई केर सिंह जी ध्यान दिया जे उन्हां नाल अठ कु साल का कोई बारह साल कहिंदे ने कोई सत साल का कहिंदे ने उन्हां दे बच्चे का नाम सी भाई दरबारा सिंह कहिंदे ने सारा दिन इन्हें जथे विच नाम लिखाया सी भाई केर सिंह ने ते केर सिंह फौज विच भर्ती सी कहिंदे ने एक बारी ना इहदे बारे प्रसिद्ध सी कि शेर किते जंगल विच गए अंग्रेज नाल ते शेर किते पै गया अंग्रेज डर के दौड़ के उत्ते चढ़ गया रुख दे ते भाई केर सिंह थले खलोते अंग्रेज कहिंदा वैल केर सिंह पिछा आ जा शेर तेनू मार देगा ते भाई साहब हस के कहिंदे जे ओ शेर है ते मैं केर हां केर दर्द भी शेर हुंदा कह लगा शेर दा शेर नाल मुकाबला है ते ओ तस्वीर भी विच उस किताब दे दित्ती है शिकार खेडदे दी कहिंदे जदों शेर ने मुंह खोलिया ते भाई केर सिंह ने मुंह विच बंदूक पा के गोली चला के शेर नूं ढेर कर दिता इन्ना उन्हां दा अदब होया भाई साहब भाई केर सिंह तैयार होए ते इन्हां दे घर होया बच्चा जदों बच्चा 22 दिन दा सी भाई दरबारा सिंह कहिंदे ने उहदी मां चलाना कर गई भाई केर सिंह दे घरों चलाना कर गई ते भाई केर सिंह दी मां ने दरबारा सिंह दी दादी ने रूह दे विच दुध ला ला के बत्तियां नाल दुध पिया पिया के पूड़ियां नाल अपने पोते नूं पालिया सीने नाल लाया अज जदों प्यो बापू तुर लगा भाई केर सिंह ते बच्चा आके पुछदा बेबे शब्द सिद्धे जे वरते बेबे अज बापू किथे चले है पंजाबी विच जेही शब्द वरदे सा बापू जां चाचा कहन लगा बापू किथे चले है ते कहन लगी पुत्तर तेरा बापू शहीद होण चले है हस के क्या शहीद होण चले है कहने बेबे फिर मैं भी जाना उन्हें हस के क्या तेरी पुत्र नहीं तेरे बापू जाना दही रात मां ने जमाया सी आप पानी भर के भाई केर सिंह नूं इशनान लई दही दिता केसी इशनान कीता कुछ दही बच गया ते जदों भाई केर सिंह वस्त्र पिया पाउंदा है ते छोटे जे बच्चे दरबारा सिंह ने कपड़े ला के ना अपने निके निके हथां नाल ओ दही अपने केसां विच पाया कहिंदा बेबे मैनू भी निभा दे मैं बापू नाल जरूर जाना कहिंदे बहला माई ने टालिया अखीर ते इशनान करा दिता कपड़े भी सोहने पा दिते ते जदों भाई साहब भाई केर सिंह तुरन लगे ना ते माई नूं कहिंदे मां आशीष दे तेरा पुत्र उस गुरु नानक दे घर दी सेवा विच लेके लग जाए कहिंदे माई प्यार देन लगी माई दा कद छोटा सी भाई केर सिंह उच्चे सन ते चौंकी एक पीढ़ी लियांदी ते रख के छोटा जिहा बच्चा दादी नूं कहिंदा बेबे पीढ़ी ते खलो के मेरे बापू दे सिर ते हथ रख जदों हथ रखे ते पीढ़ी खसका के किधरों मेरे सिर ते भी प्यार दे माई ने रोकिया कहन लगा नहीं मैं शहीद होना है उस वक्त भाई केर सिंह कहिंदे ने दरबारा बेटे शब्द वरते दरबारा सिंह रस्ता बड़ा दूर दा मैं तेनू चुकना नहीं कहिंदा मैं गुरु नानक साहिब दे आसरे जांगा सारे राह च मैनू चुकी ना पर मैनू अपनी उंगल पकड़ा के नाल लै जा बच्चे ने जिद कीती कहिंदे छोटी जी दस्तार बन्नी किले वाली कढ़वी जुत्ती दादी ने पोते नूं पाई चूड़ीदार पजामा कदी तको माई दे घर सिर्फ एक पुत्र ते पोता सी दोनां नूं गोहे तों बाहर धोरिया किन्नी देर तक माई वेंदी रही अपने पुत्र दी पिछ अपने पोते दी पिछ कहिंदे सारे राह विच भाई साहिब भाई केर सिंह दी उंगल पकड़ के गया बच्चा राह विच हसदा खेडदा शब्द सुनांदा गया किते भी नहीं किया बापू मैनू तंगाड़े चाढ़ लै ध्यान दिया जे इधर भाई लक्ष्मण सिंह सामनू इशनान कीता ते कहिंदे ने भाई मंगल सिंह नाल तुरे अपनी घरवाली ओहदा नाम सी बीबी इंदर कौर ओह भी नाल आई घर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा स्वरूप सी देग बना के अरदास कीती हे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह
मैं तेरे दरबार तरन तारण इक अरदास करके आया, मेरी कीती अरदास नूं भाग लाई। मैं अपने खून नाल तेरे घर विच हाथ नहीं चुकना, पर महंत दी बेदबी दा जिहड़ा कलंक ओह धोणा है। तेरा घर आजाद होवे, जिथे मरदाने दी रबाब वजीए उथे बाबा जी तेरे कीर्तन दियां धुनां उठण। ते अरदास करके जदों हुक्मनामा लिया ते बचन आया सुई महला चौथा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पै आप बिचाई। देखियो कदी गुरु जी बोल के दस दे पए ने भाई लक्ष्मण सिंह, जे तेरी भावना कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पै आप बिचाई। दर्शन हर देखण कै दाई, कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम त्याई। लक्ष्मण सिंह ए परवानी के जे सुख दे ता तुझे अराधी दुख पी तुझे त्याई, जे दुख दे ता इति राजा दुख भी सुख बनाई। लक्ष्मण सिंह के तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अखां भर के कहिंदा मैनूं ए वी स्वीकार है के तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सो खाई। अखीर ते कहिंदा बाबा करी कृपा, नानक गरीब ढह पया द्वारा हर मेल लिवो वडियाई। मैनू गरीब नू अपने चरणा में जोड़ ली। गुरमुखो ए मरजीवड़ा शमा तो कुर्बान खून वाला परवाना घरों तुरिया है, जिन्हू तवारीख लेंदी दुनिया तक याद करती रहेगी। आए रात नू तुरे, रस्ते विच एक पिंड तो होर सिंह रलने सन, ओहदा नाम सी निजामपुर देवा सिंह वाला। भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह उस पिंड विच गुरुद्वारे जथा गया, किसे दे घर जथे नू कहिंदे ने आओ अज तुसी नाल नवे रले हो, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच नमस्कार करके फिर हुक्म लै लई। प्यारिओ इत्थे जदों नाल साथी होर रले हुक्मनामा लिया ते कियो जिहा करिश्मा है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, फिर ओही हुक्म आ गया के प्यारिओ तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। तुर पिया जथा इधर ए पहुंच गए ते दूजे पासे जेड़े जथे रोके सन भाई दलीप सिंह ओह ननकाणा साहिब दे नेड़े आ गए। ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੋ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਫਾਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥਾ, ਉਹਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣ ਆਏ, ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੱਭਾ ਨੀ। ਇਧਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜ, ਜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਰੋਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ 18 ਰੁਪਈਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ 5-6 ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ। 18 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਤਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਏ, ਆ 18 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਜੇ ਵਿਚੋਂ 18 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਏ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਥੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ 2-3 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਤੁਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਡਰੰਮ ਤੇ ਅਸਲਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ,
अंदर वरन मथा टेकन पहला तो लक्ष्मण सिंह लिया जे जिन्हें अत चुकी हुई कहिंदा फिर इको दम मारना नहीं गोली मार के करिया जे फटड़ ते जदो फटड़ हो जन ते रख के लकड़ उते टोकिया ने उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करिया जे ते होया ए कुछ ही एवें नहीं कहिंदे इधर भाई लक्ष्मण सिंह होरां तैयारी की अंदर प्रवेश करना सी 5:44 ते दश जथा अंदर गया उस तो पहला चिट्ठी मिल गई पंत दी भाई वरियाम सिंह ने क्या रोकया भी आ चिट्ठी दित्ती है दलीप सिंह ने तुसी रुक जाओ भाई लक्ष्मण सिंह थोड़े जे विचारन लगे ते भाई तैर सिंह कहिंदा भाई साहब जी हुक्मनामा लैके आए सां के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई है आप जलाई आप तुर के आए हां हुण क्यों सोचना होया भाई साहब ने जकारा छड्या ते जथा अंदर नूं चल पे जदों 5:44 ते अंदर जथा प्रवेश कीता महंत दे गुंडे शराब विच तुट सन बंदूकां उन्हां दे हाथ विच कईयां दे नां वी दित्ते ने दसां नंबरियां दे रांझा रियाणा लट्टू आदक कहिंदे बंदूकां इन्हां भरियां कुछ रात नूं आ टोके कुवाड़ियां छणियां बरशे तलवारां तिखियां करदे रहे सब तो पहला कहिंदे ने आपां वार नहीं करना किसे ते हाथ नहीं चुकना अपने गुरसिख जथा कहिंदा भाई लक्ष्मण सिंह जी ड्यूटी लगी कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बैठोगी आसा दीवार दा पाठ करोगे भाई तैर सिंह दी ड्यूटी लगी तुसी बाहर दरवाजे विच खलोवोगे जेड़े जथे दे गए सन उन्हां दी ड्यूटी लगी तुसी नेत्र बंद करके पाठ श्रवण करोगे पहला नेम निभावांगे फिर आपां दूजी सारी सेवा संभालनी जथा अंदर गया भाई साहिब भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कीती नमस्कार अखां पा रही सतगुरु कई साल तो बाद अज मथा टेकन आया हूं तेरा कुतान कोर शुक्र मेरे गुरु नानक साहब मथा टेक के बैठ गए ताबिया जदो गुरु जी दे हजूरी बैठे भाई तैर सिंह बार खलोते पहली गोली भाई तैर सिंह दे सीने विच वजी सी महंत आप घोड़े ते सवार होके आया मुंह बन्या उन्हें पहली गोली वजी भाई तैर सिंह नूं छाती विच गोली वजी ते जदो डिगा ते इन्नी देर नूं तिखे टोकियां छवियां वाले दौड़े जेड़े लकड़ां दे मुढ़ रखे सना भाई साहब दे अजे अंदरों श्वास नहीं पूरे होए गुरमुखो सहक दे नूं लकड़ दी मुढ़ ते रख के टुकड़ा शुरू कर दिता कोई हथां नूं टुकन लग पिया कोई पैरां नूं तिखन टुकन लग पिया जिन्नी कु देर तक सुरत सी अंदरों केवल गुरु दी आवाज आउंदी रही खाए जा सी नहीं भाई साहब भाई तैर सिंह दे टुकड़े कीते अगां उतर के जदों अंदर गए ते दूसरी गोलियां दी बाछड़ भाई साहिब भाई लक्ष्मण सिंह ते कीती जदों गोलियां चलियां ते कुछ स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लगियां भाई लक्ष्मण सिंह ने कुछ के उत्ते जफा जिवें पाई दे अपने शरीर नाल गुरुदेव जी दे पवित्र स्वरूप नूं ढक लिया मेरे दातिया मेरा तन छलनी हो जाए जिवें साहिब कहिंदे ने साहिब संकट वै सेवक भजै चिरंकाल ना जीवै दो कुल जै कहिंदे ने उस वक्त क्या दाता मेरा तन छलनी हो जाए पर तेनू गोली ना लगे कहिंदे ने भाई साहिब भाई लक्ष्मण सिंह उन्हां नूं छलनी छलनी कीता इको दम फिर ओ धुत होए शराब विच आए गोलियां दी बाछड़ करके पकड़ के एक एक दे टुकड़े कर लगे ते जेड़ा बच्चा सी ना इहनू एक सियाड़े ने अलमारी बनी सी चौखंडी विच बुजुर्गां ने खास साडिआं ने देखे आ विचों भी कई बैठे होणगे जिन्हां दर्शन कीते ने उस भाई दरबारा सिंह नूं उस अलमारी विच डक दिता विचों जाली सी राह निकल श्वास आउंदे सन कहिंदे ने पहला टुकड़े कीते फिर सहकदिआं दे उत्ते मिट्टी दा तेल पा के अग ला दित्ती लकड़ां कठियां कीतियां जदों अग लाई उस वेले दिन दा चढ़ाव बहुत हो गया महंत कहिंदा हुण इक काम करो टुकड़े समेटो ते फटाफट इन्हां नूं अग ला के फूक दिओ सिखां गुरु के सिखां दीआं कृपानां गात्रे कंघे केस चार चफेरे जमीन ते डिगे पए जदों इह कहिंदे नी जिस अस्थान ते चरण धो के संगत जांदी सी ना चुबच्चे विच ओह भाई नारायण सिंह ने लिखिआ जी गुरमुखो ओह चुबच्चा 16 इंच डूंघा सी ते 14 इंच चौड़ा सी उस बच्चा जिन्हें चरण चौंदे सन
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਨਾਲਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਪੈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਬੁਬਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਚਿਖਾ ਬਲੇ ਪਈ, ਅੱਧ ਸੜੇ ਸਰੀਰ ਪਏ, ਉਧਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਹਿਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸਭ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਣੀ ਭੱਜਿਆ, ਵਾਹ ਮਰਜੀਵੜਿਆ, ਜੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜਿਆ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਬਾਜ ਆ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਆਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਕਦੇ ਨੂੰ ਜਮਦੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵੀ ਸੱਟਿਆ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਗਈ, ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਖਬਰ ਗਈ ਝੱਬਰ ਕਿ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੰਡਾਸਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਬੰਦੂਕ, ਨੇਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਛੇਤੀ ਜੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2200 ਮਰਜੀਵੜਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 2200 ਦੇ 200 ਦੇ 11 ਜਥੇ ਬਣਾਏ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਕਾਲਤ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਬਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਹੰਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਸਾਡੀ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ 84 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਜੋ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਪਲਟਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਜੜੇ ਘਰੀ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਹਿਮ ਹੈ
कि मेरी कबर ते दीवा बलेगा कोई जे हवा ए रही कबरा ते की घरां विचों भी दीवे बुझ रहे। उस वेले दे हालात ने कह कभी तकियो से कभी भुल सकता है, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। हां वक्ती तौर पे जबान नूं ताले लग सकदे ने पर तवारीख नूं कभी कुछ उठा नहीं कर सकता। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तेरे तां शीश चुकण दी पाबंदी सी पर किथे गया जो औरंगजेब, चेते रखियो जिहदा शीश लत्था सी ओहदा निशान झुलदा पे, जिहड़ा चुकण नहीं सी दिंदा ओहदा नामो निशान ही मिट गया। सच कभी रुकदा नहीं। करतार सिंह झब्बर नूं कहिंदा इक रात रुक, ते झब्बर पुछदा कि नौ सिंह, ते कहिंदा इक रात। पिछो आवाज आई कहन लगे ओ मिस्टर किंग चेते रख, जे तेरे पुत्र दी लाश दे टुकड़े होण ते तेनू रोक के कही एक रात रुक जा, रुक जाएगा। अंग्रेज दी अखां भर रहीआं कहिंदी उसे वेले कहिंदा चाहते की हो, कहन लगे असीं चाबी चाहने आ। ननकाणा साहिब दी चाबी दित्ती, जदों दरवाजा अंदर जाके खोलिया वड्डे वड्डे राख जिहड़े सन उन्हां दीआं भुब्बां निकल गईआं। अंदर थां थां ते टुकड़े मास दे कड़े कंघे केस खिलरे पए। दरवाजा बंद कर दिता ते जेड़े जेड़े परिवार विचों जथे दे सिख आए सन उन्हां नूं समें भेजे आजो। खोपड़ियां ने लत्तां ने बाहां ने अपने अपने दे अंग ही पहचान लवो। गुरमुखो दूजे दिन फिर पंथ लई दरवाजा खोलिया, कि 23 फरवरी की घटना है। जदों दरवाजा खोलिया अज सारा सिख जगत आया। जदों दरवाजा खुलिया अंदर प्रवेश किया, जिहड़ी अर्ज करनी थोड़ी जी कागरता ब्याज अंदर प्रवेश किया, थां थां ते देखिया भी खून दे धब्बे ने ते भाई साहब का शरीर कुछ किन जंड नाल अध सड़िया पिया सी, पहचानिया नहीं गया लाश केड़ी। अंदर लंघे ते ओ माई भी आई जिहदा पुत्र ते पोतरा सी। भाई नारायण सिंह कहिंदे ने मैं अखां नाल उस माई नूं तकिया ते ओ टुकड़े लभे पई, मास दे टुकड़े फोले ते ओहदे विचों इक लत लभी जिहदी सज्जी लत ते फलवैरी सी। ते भाई साहिब भाई केर सिंह जदों फौज विच भर्ती सन ना ते इक रात लत सनो विच रहण करके फलैरी हो गई सी। कहिंदे ने उस वक्त पिन्नी तो थले ओ लाश ओ लत चुकी ते बुढ़ी सीने नाल ला के कहिंदी लोको आ वेखो शेरां दे शिकार करन वाले मेरे पुत्र दी लत। सारा दिन उस लत नूं छाती नाल ला के रखिया, पोते नूं लभदी रही पर पोता लभना कितों सी। प्यारिओ उस वेले फिर सिख पंथ इकट्ठे होए, वड्डे वड्डे रास उहनां दे अंदर वह तुरे। 4 लाशां अध सड़ियां मिलियां जिहड़ियां पछाणियां नहीं गईयां। 119 खोपड़ियां सड़ियां होईयां मिलियां मेरे गुरु नानक दे घर विचों ते 7 खोपड़ियां बाहर मिलियां आवे विचों। 119 खोपड़ियां अंदरों, 7 खोपड़ियां बाहरों, 126 खोपड़ियां, 4 लाशां अध सड़ियां ते जदों निक्के निक्के मास दे टुकड़े चुन लगे ते 3 वड्डे टोकरे निक्के निक्के मास दे होए सन। जिवें मास किसे ने बकरी भेड़ दा वड्डिया होवे, 3 टुकड़े मास दे ते जेहड़ियां छोटियां छोटियां हड्डियां सन 10 टोकरे छोटियां छोटियां हड्डियां दे होए सन। छोटे छोटे अस्त शाम दे वेले इको चिखा बनाई गई। भाई जी राज सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करन गए, कुछ निशान सन गोलियां दे ते कहिंदे ने जदों हुक्मनामा लिया ना रुमाला चौके रुमाल ते सुई राग विच आ गया कि तप तप लोए लोए हाथ मरोरू, बावल होई सोशो लोरू, पैसे मन में किया रोस, मुझ अवगन शय नाही दोष, शरीर भुज के काले हो चुके सन। ते मेरा गुरु कह रहा सी ए कालख ओ नहीं काली कोयल, तू कित गल काली, अपने प्रीतम के को फिर है जल। भाई साहब ने हुक्मनामा लिया उत्ते रुमाल पा दिता। शाम दे वेले प्यारे हो सूरज छिपण तो पहला लकड़ा कठियां करके चिखा चुनी, पहला प्यारे हो 4 लाशां अध सड़ियां रखियां, फिर 126 खोपड़ियां टकाइया। क्यों जा किरदा होवेगा किवें चुकदे होणगे। कहिंदे थां थां दराग ते जपजी साहिब दे पाठ दी आवाज पई आ। 126 लाशां वाहिगुरू, 4 लाशां, 126 खोपड़ियां उत्ते 3 टोकरे मास दे, 10 टोकरे हड्डियां दे। ते प्रोफेसर भाई जोध सिंह ने अरदास कीती, अरदास तो पहला छोटी जी तकरीर कीती। उदवारियां समाजियां बड़ी चुकी सी आत, सिख झूठ बोलदे ने जिहड़ी अरदास विच कहिंदे ने बंद बंद कटाए कट्टे जांदे ने बंद बंद,
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਕ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਾਥ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਟਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਣੇ ਇਸ ਚਿਕਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਤਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਤ ਸਾਈਂ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਖੂਨ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੂਨ ਇਹ ਵਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁੰਦਨ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਗ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਗ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਮਲਾਂਦਾ ਦਿਸੇਗਾ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉੱਚੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਹੱਦ ਖਿੜੇ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, 13 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੋ ਹੈ